हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज की शनिवार की रात की प्रार्थना में हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने यह बहुत ही अच्छा समय दिया है कि हम इस समय प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु का यह अनुग्रह है कि हम अब तक जीवित हैं और यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। हम उसका धन्यवाद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। सभी भाई बहन एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने घर के लिए प्रार्थना करें, और जो लोग अभी भी अविश्वास में हैं, जो अंधकार में हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। और हमारे देश के लिए प्रार्थना करें और प्रार्थना में बने रहे और विश्वास में बढ़ते चले। हालेलुया। आइए हम सभी मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आज के इस नाइट प्रेयर में मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि पिता परमेश्वर सच में आपका अनुग्रह हमारे जीवन के ऊपर है। पिता परमेश्वर, इस कारण से हम जीवित है। नहीं तो परमेश्वर पिता, हम गलत बातों में पड़े हुए थे तो परमेश्वर पिता हम नाश हो जाते, लेकिन पिता आपने हम पर अनुग्रह किया और परमेश्वर पिता हमें आपका नाम परमेश्वर पिता सुसमाचार के द्वारा प्रभु हमारे पास आया। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सच में परमेश्वर पिता आपका नाम प्रभु ऊंचा है सबसे, मेरे खुदावन सब नामों से ऊंचा आपका नाम है मेरे पिता परमेश्वर। हमें उस महान नाम की परमेश्वर पिता प्रभु आपने हमारे ऊपर वो नाम प्रकट किया, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। हमने पिता परमेश्वर जाने अनजाने आपका अनादर किया है, हमें माफ कर दीजिए पिता परमेश्वर। हमें खुद को पवित्र करना है, हमें खुद को परमेश्वर पिता तैयार बनाते जाना है, इसलिए प्रभु हमें मदद करना परमेश्वर पिता। संसार की चीजों में हमें गुम नहीं होना है, संसार की बातों में हमें अपने मन को नहीं लगाना है। हमें तो परमेश्वर पिता अपना मन लगाना है आपके वचन पर, हमें तो अपना मन लगाना है आपकी परमेश्वर पिता प्रभु इच्छाओं पर मेरे खुदावन प्रभु। क्या आप हमसे चाहते हैं और हमारे जीवन में आपकी क्या योजना है, इन बातों को हम समझ सके मेरे पिता परमेश्वर। ऐसे हम सभी को ताकत देना मेरे पिता परमेश्वर। सच में हम आपके बिना कुछ नहीं कर सकते, हम अधूरे हैं मेरे खुदावन। आपकी सामर्थ्य से हम सब कुछ करने में सक्षम होते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। इस समय ये भाई ये बहन मेरे खुदावन जिस भी परमेश्वर पिता जगह पर है, जिस भी परमेश्वर पिता प्रभु ठिकान पर यह प्रार्थना कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप इन्हें आशीष दीजिए परमेश्वर पिता, ब्लेस कीजिए इनके घर को, आशीषित कीजिए। और परमेश्वर पिता ये जिस भी परमेश्वर पिता सब्जेक्ट के लिए, जिस भी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं मेरे खुदावन प्रभु, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनिए, उत्तर दीजिए और प्रभु इन्हें प्रार्थना में, आराधना में, वचनों में बढ़ाते जाइए मेरे खुदावन। आपके वचन पर स्थिर रहने के लिए, आपके वचन पर अड़े और खड़े रहने के लिए हम सभी भाई बहनों को मदद करना। और प्रभु हम दिन ब दिन प्रभु मजबूत होते जाए, हम दिन ब दिन प्रभु परमेश्वर मजबूती से परमेश्वर पिता आगे बढ़ते जाए, और शैतान की कोई भी चाल हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकती, क्योंकि हम प्रभु आपके वचन में बढ़ रहे हैं यीशु मसीहा। धन्यवाद करते हैं हम आपके वचन को प्रभु, आपकी इच्छा से समझ सके मेरे खुदावंद। ऐसे आप हमें समझ देना, आपके पवित्र आत्मा से आप हमें चलाना, झूठी शिक्षाओं से मेरे खुदावंद आप हमें बचाना। ऐसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमेन।